संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बरकरार है। राज्यसभा में विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में हंगामे के बीच 3 बिल पास कराए गए, जिसके बाद यहां भी सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। ये मानसून सत्र का लगातार 7वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर मुद्दे पर विरोध जता रहे विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। संसद में मणिपुर मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज लगातार 7वें दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही भी नहीं चल पा रही है। पूरे देश में इससे गलत मैसेज जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है जी, उत्तर सभापटल पे रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाबदेही होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। इस दौरान कांग्रेस नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा चाहता है। वहीं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। जैसे ही अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दिन तय करेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते है तो तुरंत हमारा बिल निरस्त कर दे। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा में जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए। इस बीच लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद में अगले सप्ताह दिल्ली सर्विस बिल पेश किया जाएगा। ये बिल दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी अगले सप्ताह बुधवार को चर्चा हो सकती है। इधर मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जेंटलमैन, It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. And to meet on Monday, the 31st July at 11 a.m. वहीं सदन के बाहर दिए अपने बयान में राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन चलाने के लिए सकारात्मक चर्चा पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन के बाहर दिए बयान में कहा कि सरकार मणिपुर और सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय अपना समय तय करेंगे। सरकार तैयार है, जो भी समय माननीय स्पीकर साहब तय करें उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी जो इस विषय पे भाग लेंगे वो सदन में होगा। बहरहाल मणिपुर मुद्दे पर लगातार संसद में गतिरोध बना हुआ है। पिछले 7 दिन से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है और अब 2 दिन के अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही 31 जुलाई सोमवार को 11 बजे से शुरू होगी। ऐसे में देखना होगा कि गतिरोध टूट पाता है या नहीं। जाहिर है संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। अब अवकाश के 2 दिन हैं और उसके बाद सोमवार को एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर का दौरा करेगा, इसको लेकर भी राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।